बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू उमर सर फिज़िक्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर है 2.1। ए ट्रेन मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और 10 सेकंड्स तक जो है वो मूव करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमें 10 सेकंड तक उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन डेटा में जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी स्पीड जो है वो स्टूडेंट्स हमें दे दी गई है, ये है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बात याद रखिए, मैं आपको पहले भी ये कई बार कह चुका हूँ, ये न्यूमेरिकल्स में जो भी आपको क्वांटिटी दी गई होती है उसको सबसे पहले उसके SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना लाजमी होता है ताकि फिर प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी का जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो ये किलोमीटर पर आर में है, तो इसको सिंपली तौर पर सबसे पहले जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3.6 और ये स्टूडेंट्स अब हमारा आंसर जो है वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट्स इसको हम इसके साथ हम डिवाइड करेंगे, 36 को डिवाइड कर देंगे 3.6 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी। अभी यहाँ पे टाइम जो है वो स्टूडेंट्स हमें गिवन है, ये हमारे पास है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास स्पीड भी गिवन है, वेलोसिटी जिसको कह सकते हैं यहाँ पर हम, और टाइम भी यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल के लिए फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अब हम। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स एस इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास वी हमारे पास है 10 और टाइम जो है ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास है 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स 10 को 10 से, तो ये आ जाएगा 100 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर जो है वो ख़त्म होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की 2.2 की। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें एक ट्रेन रेस्ट में है मतलब खड़ी है, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स उसने जो है वो मूव करना शुरू किया है और 1 किलोमीटर जब वो सफ़र तय कर लेती है 100 सेकंड्स में, तो स्टूडेंट्स हमें बताना है उसकी 100 सेकंड्स के तक जब वो मूव कर लेती है तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी कि 100 सेकंड्स के एंड तक जो है वो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो है वो कैलकुलेट करनी। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास, तो करते हैं स्टूडेंट्स इसको भी स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन डेटा में जो जो है ये लिख लेते हैं पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इनिशियल स्पीड जो है वो इसकी स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और स्टूडेंट्स इसकी फाइनल जो है वो स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ, ये स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर इसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं, ये हमारे पास है 1 किलोमीटर, ये स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसको मीटर्स में लेके जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर है, तो सिंपली तौर पर स्टूडेंट्स यहाँ पर को यहाँ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये मीटर्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1000 मीटर्स में आ जाएगा ये डिस्टेंस। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम जो है वो हमें गिवन है, ये हमारे पास है 100 सेकेंड्स, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास इसके लिए टाइम। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स हमें जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यहाँ पर अगर यूज़ करें तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन मालूम कर सकते। तो यहाँ पर पहले हम क्योंकि स्टूडेंट्स
हम किसी भी इक्वेशंस की अगर बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड की या थर्ड की बात करते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन तीनों में मौजूद है। और अगर हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करते हैं तो वो है हमारे पास वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वहाँ पर भी हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। या अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू आ जाएगा ये वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आ जाएगा ये स्टूडेंट्स हमारे। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज जो है वो हम पुट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 1000, ये 1000 ले लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। और अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये आ जाएगा एस बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे वी आई जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जीरो है, तो यहाँ पर जो है वो हम जीरो ले लेते हैं। इंटू आ जाएगा डी की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 100 प्लस आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ए की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, तो यहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स पुट करते हैं ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें आंसर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बच जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, अब 1000 का सॉरी 100 का अगर हम स्केयर लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 10000, ये 10000 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स क्या हमारे पास यहाँ पर इसको हम रिड्यूस कर दें थोड़ा सा, ये आ जाएगा 2 1s are 2 2 5s are 10, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 5000 बच जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह करके यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 5000। अब यहाँ से ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली तौर पर ए को एक साइड पे रखते हैं जबकि ये 5000 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो, तो ये स्टूडेंट्स इसको हमने इस पर डिवाइड किया, तो ये देखें स्टूडेंट्स 3 जीरो जो हैं वो इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1 को 5 पे डिवाइड करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड ये एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स हमने एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट कर ली है, अब यहाँ पर आप चाहे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें और चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करने जा रहा हूँ, ये हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस के टी, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ यूं आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई जो है ये हमारे पास जीरो है, और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम जो है ये हमारे पास है 100, और ये स्टूडेंट्स मुझे जस्ट थोड़ा सा खुला करके लिख लेने दें, तो ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स वी एफ यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई जो है ये हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है, जबकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास नेक्स्ट एक्सेलरेशन जो है वो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 0.2, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू 0 जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको फाइनली तौर पर अगर हम 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ए कार हैज ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट्स at 0.2 meter per second per second for half minute, find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. Students, एक कार जो है वो 10 meter per second की velocity के साथ move कर रही है और उसका acceleration जो है वो आधे minute के बाद जो है वो कितना हो जाता है 0.2 meter per second per second. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें दो चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करनी है, एक तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है आधे मिनट में, और दूसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी हमें जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है, ये दो चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन डेटा में देखते हैं हमारे पास क्या क्या मौजूद है,
तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसकी मौजूद है, ये हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद एक्सिलरेशन जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास है 0.2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो है वो अब क्या क्या कैलकुलेट करना है ये भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टाइम जो है वो स्टूडेंट्स ये हाफ मिनट है, यानी कि ये 1/2 मिनट्स में है। इसको स्टूडेंट्स सबसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स देखें मिनट अब जो है वो बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है, तो यहाँ पर हम 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारा टाइम सेकंड्स में चले जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम जो है ये आ जाएगा 30 सेकेंड्स, ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड्स में आ गया टाइम। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमें जो है वो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी मौजूद है, टाइम भी मौजूद है, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर सिंपली तौर पर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ से एस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वी आई जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 10, इसी तरह टाइम जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 30 सेकेंड्स, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2। एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 0.2 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम जो है ये हमारे पास है 30 सेकंड्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 300, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 0.2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 30 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 900। ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 बन जाएगा, 2 5s are 10, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 as it is यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 300, प्लस आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स ये, तो अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 0.2 को 450 से, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है ये 90, और यहाँ पर देखें स्टूडेंट 300 में 90 को ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 390 मीटर्स में आ। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो इसका कैलकुलेट कर लिया। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट हमें इसकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट्स इसकी 10 मीटर पर सेकंड, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई यहाँ पे स्टूडेंट्स टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है यहाँ पर 30, तो यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 प्लस 0.2 को स्टूडेंट 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 6, और यहाँ पर स्टूडेंट्स 10 में 6 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर है 2.4। यहाँ पे हमारे पास ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, हाउ लॉन्ग इट will take to return the ground। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो एक टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंका गया, और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचती है तो वो 3 सेकंड्स लेती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें दो चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करनी है, एक तो इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, और स्टूडेंट्स सेकेंडली जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो इसका वो है टाइम। तो ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो हाइट, दूसरा यहाँ पर टाइम जो है वो कैलकुलेट कर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट करें मैं कहता हूँ हमारा ग्राउंड है, और ये वो मैक्सिमम हाइट है जहाँ पर हमने बॉल को फेंका है, ये हमारा बॉल है स्टूडेंट्स, ये हमारा बॉल है जो कि मैक्सिमम हाइट,
अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमें जो है वो इसकी एक तो मैक्सिमम हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है, दूसरा जो है यहाँ पे टाइम जो है वो कितना लेता है दोबारा ग्राउंड पर आने के लिए, ये स्टूडेंट्स हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो पहले जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या है ये लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये हमारे पास है यहाँ पर 30 टैप पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। दूसरा ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो टाइम है यहाँ पे हमें गिवन है, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जो है या मैक्सिमम पॉइंट तक जो है वो हाईएस्ट पॉइंट के लिए जो टाइम है इसको हम T1 का नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 3 सेकेंड्स। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमें इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है और सेकेंडली यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके लिए टाइम जो है वो हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है कि ये कितना टाइम लेते। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो इक्वेशन लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स इसको हम कन्वर्ट करेंगे जी में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए को रिप्लेस कर देंगे जी के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास Vi प्लस Gt आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अब हमारा बॉल जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे था तो उस वक्त यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर ये आ जाएगी माइनस में, ये माइनस जी के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस जी यानी कि ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास वी आई कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स 30 मीटर पर सेकेंड है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइम जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारे पास है यहाँ पे 3 सेकेंड्स। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू 30 माइनस आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा ये देखे 3 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा -30। तो ये देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये 0 मीटर पर सेकेंड आ। तो ये देखें स्टूडेंट्स मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया, लेकिन स्टूडेंट्स आपने जो है वो ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये देखें हमारा बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो ये एक लम्हे के लिए जो है वो रुक जाता है। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ये बात आपने जहन में रखनी है। मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताई है, लेकिन आपने ये स्टेप अगर आपकी मर्जी अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए ये मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंचेगा तो एक लम्हे के लिए ये यहाँ पे स्टे करेगा, उसके बाद रिटर्न करेगा दोबारा ग्राउंड की तरफ। तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी भी स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो है हमारे पास यहाँ पे 2gh इज इक्वल टू आ जाएगा ये वी एफ का स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पे vi का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्या करनी है, इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। यहाँ से हाइट कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास h इज इक्वल टू ये 2g इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल से, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास वी एफ का स्क्वायर माइनस आ जाएगा Vi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा 2g। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज स्टूडेंट्स इंसर्ट करते हैं, Vf जो है ये हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है ये स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे जी की वैल्यू -10 है ये इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो हम इसकी हाइट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 का स्क्वायर जो है ये स्टूडेंट्स 0 होता है, और यहाँ पर 30 का स्क्वायर जो है ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 900, ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स 10 के साथ तो ये स्टूडेंट्स आ रहा है हमारे पास -20,
और यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस है, ये माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं और यहां से एक जीरो जो है ये एक जीरो से कैंसिल आउट, टू वन जार टू, टू फोर जार एट, टू फाइव जार टेन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा फाइनली जो है वो 45 मीटर्स में, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हाइट आ जाएगी 45 मीटर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके लिए हाइट आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो हमें इसका टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे टोटल टाइम इसका किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टी इज इक्वल टू आ जाएगा टी वन प्लस आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम टी टू कह लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, टी वन तो हमारे पास मौजूद है, टी टू जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स कॉमन सेंस की बात है, फर्ज करें मैं कहता हूँ ये अपना ये बॉल जो है ये हमारा, ये अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए 3 सेकंड्स लेता है, ये 3 सेकंड्स ले रहा है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या होगा, जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा तो बिल्कुल वही टाइम लेगा जितना ये जाने के लिए टाइम लेगा। ये इसी तरह समझें आप कि आप किसी शॉप पर जा रहे हैं, तो आपने एक शॉप तक जाने के लिए जो है वो 5 मिनट लिए हैं, तो वापसी पर जब आप आएंगे तो तब भी आपके 5 मिनट ही आप लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका जाते हुए टाइम जो है वो कुछ हो रहा होगा, आते हुए कुछ हो रहा होगा, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल स्टूडेंट्स वही सिचुएशन है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आते हुए भी उतना ही टाइम लेंगे, तो यहाँ पर टोटल टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको टी टू का नाम दे लेते हैं, ये टी टू जो है ये भी हमारे पास कितने सेकेंड्स आएगा, 3 सेकेंड्स, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिर कुछ यूँ आ जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 6 सेकेंड्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.4 खत्म होता है यहाँ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है न्यूमेरिकल नंबर 2.5, ए कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स, इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, फाइंड डिसेलरेशन, नंबर टू पे है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें बता दी गई है और 5 सेकंड्स तक जो है वो कार इतनी स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसके बाद जो है वो अगले 10 सेकंड्स के बाद जो है वो कार जो है वो रेस्ट में आती है और डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन जो है वो कम होगा, कम होने का मतलब क्या है कि इसमें डिसलरेशन प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे अब जो है वो हमें इसका एक तो डिसलरेशन बताना है कितना है, सेकेंडली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर, वो स्टूडेंट्स हमें जो है वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या मौजूद है, तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें बता दी गई है ये कितनी है, vi इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ये स्टूडेंट्स हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी बता दी गई है, और यहाँ पे टाइम जो है वो स्टूडेंट्स इसको हम t1 का नाम दे लेते हैं, ये उस वक्त है जब कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी 5 सेकेंड्स तक, ये आ जाएगा 5 सेकेंड्स, ये स्टूडेंट्स इसका। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स t2 जो है ये भी हमें बता दिया गया है, ये कितना है हमारे पास 10 सेकेंड्स है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये 10 सेकेंड्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका डिसेलरेशन मालूम करना है, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स इसका मालूम करना हमें, दूसरा जो है वो इसका डिस्टेंस ट्रेवल जो है ये स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करते हैं और इसका एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी हमें पता चल जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स vf इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास vi प्लस at, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स जब कार जो है वो रेस्ट में आएगी तो इट मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी फाइनल वेलोसिटी आपने लिख लेनी है, ये किसके बराबर आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल सी बात है, ये देखे स्टूडेंट्स vi जो है वो इधर प्लस का इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा vf माइनस ये आ जाएगा vi, जबकि इस तरफ जो है वो t मल्टीप्लाई होगा
इसको उधर ले जाने के बाद तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे इसको टी के साथ। नहीं तो स्टूडेंट्स ये मैं पूरे स्टेप कर देता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास वी एफ माइनस आ जाएगा ये वी आई इज इक्वल टू आ जाएगा ये ए टी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ए को अलग कर लेंगे, टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ से वी एफ जो है ये हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्टूडेंट्स इसकी है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमें बता दिया गया है वो कितना है यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स देखें कार कब रेस्ट में आई थी यहाँ पर 10 सेकेंड्स में, तो यहाँ पर टाइम जो लेंगे वो स्टूडेंट्स हम टी टू लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 सेकेंड्स आ जाएगा, और ये 0 में से 40 को सब्ट्रैक्ट के माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स 10, और 10 को डिवाइड कर दें 40 पे तो ये आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका एक्सेलरेशन आ। अब स्टूडेंट्स जो है वो हमें इसका डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कैलकुलेट कर, तो बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एवरेज डिस्टेंस की बात करेंगे इसका, यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स इसकी, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, यानी कि एवरेज स्पीड है ये स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम सिंपली तौर पे स्टूडेंट्स वी आई कह लें, या आप सिंपली तौर पर इसको वी ए वी भी कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी इसकी है स्टूडेंट्स ये हमारे पास 40, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम 5 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइम इसके लिए क्या स्टूडेंट्स ये हमारे पास है t1, तो यहाँ पे इसको हम नाम दे लेते हैं t1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस s1, ये इसको s1 का नाम दे लेते हैं, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 200 मीटर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास s1 की वैल्यू है। अब ये तो था स्टूडेंट्स इसने टाइम t1 यानी कि 5 सेकेंड्स के अंदर डिस्टेंस कवर किया है, अब स्टूडेंट्स 10 सेकेंड्स के अंदर जो है वो क्योंकि यहाँ पर डिसलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई प्लस सॉरी वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास वी आई कितना है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ जाएगी 10, क्योंकि हमने 5 सेकंड्स के लिए कैलकुलेट कर लिया हुआ है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 1/2 एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड, ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम जो है वो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास है यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स यहाँ पर, सॉरी ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास 400 नहीं है ये बल्कि 40 है, ये स्टूडेंट 40 है हमारे पास, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 400, और यहाँ पे 2 को 4 पे डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 2, और 10 का स्क्वायर जो है वो स्टूडेंट्स इसको भी हम चले मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आंसर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा स्टूडेंट्स 100, 10 का स्क्वायर जो है वो 100 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और 2 को स्टूडेंट्स 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 200, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 400 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली 200 मीटर। तो अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है वो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इसका देखना है क्या है, टोटल डिस्टेंस ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको हम जनरली एस का नाम दे लेते हैं, ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू एस वन प्लस आ जाएगा एस टू, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो हम स्टूडेंट्स हम इंसर्ट करते हैं, ये आ जाएगा 200 प्लस आ जाएगा यहाँ पे 200 इज इक्वल टू आ जाएगा ये स्टूडेंट्स 400 मीटर्स में, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गए। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6 की, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड,
फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लें, ये किलोमीटर पर आवर में है ये स्पीड स्टूडेंट्स, ये किलोमीटर पर आवर। व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी भी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है एक्सलरेट होना 0.5 मीटर पर सेकंड से। हमें जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जो है वो स्पीड कैलकुलेट करनी है, यानी कि फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस यहाँ पर हमें बता दिया गया है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो हमारे पास यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स कार ट्रेन जो है वो पहले रेस्ट में थी। फाइनल स्पीड जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें बता दिया गया 100 मीटर है, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 100 मीटर। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स सिंपल तौर पर यहाँ पे हम जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये 0.5 मीटर पर सेकंड में दिया गया। अब यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2as is equal to vf का स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पे vi का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वी एफ की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स में कीमतें जो है वो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे स्टूडेंट्स एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 100। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स वी एफ जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे वी आई की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इन सबको जो है वो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 100 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 से, तो ये 200 आ जाएगा, और 200 को स्टूडेंट्स फिर अगेन अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 100 आंसर आ जाता है ये। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड में, और यहाँ सॉरी मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और इक्वल से दूसरी साइड पर भी हमें लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा 100। और अगेन यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है वी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 10। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड्स में आ गई, ये हमारे पास है 10। अब स्टूडेंट्स हमें जो है वो किलोमीटर पर आवर में लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा भी जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी ये वाला फार्मूला बता चुका हूँ, यहाँ पे देखे स्टूडेंट्स 1 मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ये देखें ये होता है हमारे पास 3.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स सिंपली तौर पर जो है वो हमें इसको 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर देखें ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3.6, और ये स्टूडेंट्स अब हमारा चला गया ये किलोमीटर पर आवर में, ये हमारा आंसर आ। तो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.6। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स ए वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड After 3 minutes, find the total distance traveled by the train. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो एक ट्रेन है वो रेस्ट से अपनी मोशन जो है वो स्टार्ट करती है और एक्सेलरेशन होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होती है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मिनट के बाद कितनी हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। और स्टूडेंट्स ये ट्रेवल करती रहती हैं और 5 सेकेंड्स 5 मिनट तक जो है वो इतनी स्पीड के साथ जो है वो ट्रैवल करती जाती है। फाइनली जो है ये इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन,
और ये 3 मिनट्स के बाद जो है वो अपनी मोशन जो है वो स्टॉप कर लेती है, यानी कि 3 मिनट्स के बाद ये रुक जाती है। अब यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स हमें इसका टोटल डिस्टेंस बताना है कि इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हमें गिवन डेटा में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स इनिशियली सॉरी यहाँ पर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी इसकी स्टूडेंट्स क्या है, फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी ये हमें पता होगा। ये देखें स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर आप देखें पहले ट्रेन जो थी वो रेस्ट में थी, इट मीन्स यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये हमें पता कि 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें जो है वो कैलकुलेट करनी होगी, ये यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स साथ साथ ही। फाइनल वेलोसिटी जो है ये हमें यहाँ पर अभी इसने बता दी है, ये 48 किलोमीटर पर आवर में है ये स्टूडेंट्स। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 48 को स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देंगे सिंपली तौर पर 3.6 और ये मीटर पर सेकंड्स में आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। इसको मजीद डिवाइड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आ रहा है 13.33 मीटर पर सेकंड्स आ जाएगा ये स्टूडेंट्स, 13.33 पर सेकंड्स में ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स हमें जो है वो अब टाइम जो है वो पहले कितना दिया गया है, ये 2 मिनट्स दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे टाइम जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 मिनट को सेकंड्स में लेके जाएंगे, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई मिनट जो है ये बड़ा यूनिट है, सेकंड्स में ले जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 120 सेकंड्स, ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले जो है वो 2 मिनट्स का हम निकाल लेते हैं, फिर बाकी जो है वो साथ साथ हम करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे ताकि हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे इसके लिए मिल जाए 2 मिनट्स के लिए। तो ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा ये वी आई प्लस ए टी, और यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको ए की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये टी के, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा जो है वो एक्सीलरेशन निकल सकता है। वी एफ जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 13.33 माइनस आ जाएगा यहाँ पे वी आई जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 है, और यहाँ पे टाइम जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है 120 सेकेंड्स है। यहाँ पर जो है वो अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर को डिवाइड करने से, ये कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, आप भी साथ साथ कीजिएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है जी 13.33 डिवाइडेड बाय 120, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है 0.11 यहीं तक ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसकी 2 फिगर्स तक ले लेते हैं, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो ये स्टूडेंट्स जो 2 मिनट्स के लिए हमारे पास डिस्टेंस है 2 मिनट्स तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया है इसको हम S1 से डिनोट कर लेते हैं, ये आ जाएगा वी आई टी प्लस आ जाएगा यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स वी आई जो है ये हमारे पास है 0, टाइम जो है यहाँ पे 120 है, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/2 इंटू आ जाएगा 0.11 एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और टी यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स 120 का स्क्वायर ले लेंगे, 0 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 120 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स ये लेंगे 120 मल्टीप्लाई 120, और स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.11 के साथ, और डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स इसको 2 से, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है ये स्टूडेंट्स आ रही है 800 के करीब, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली मैंने ये पॉइंट के बाद फिगर्स जो है वो कम लिए हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा कर लें,
ये एक और फिगर यहाँ पे ले लें और साथ में इसके जीरो भी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स हमारे पास 800 मीटर्स में ये हमारे पास डिस्टेंस आ। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 सेकेंड्स के लिए। अब हमें जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास अब यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्पीड का लफ्ज यूज हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है तो इसका जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिहाज से इसको डील करें। तो यूनिफॉर्म के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बेसिकली एवरेज जो है वो स्पीड या वेलोसिटी जो है वो ले। तो यहाँ पर इसको हम डील कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर VAV के साथ। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स इसी को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाली वेलोसिटी का नाम एवरेज। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड्स में है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो इसके लिए स्टूडेंट्स टाइम जो था स्टूडेंट्स इसके लिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 मिनट है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 मिनट ले लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 60 के साथ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 300 सेकंड्स जो है ये हमारे पास टाइम आ जाएगा इसके लिए। अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू VAV मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे इसको टाइम के साथ। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस 2, ये आ जाएगा S2 इज इक्वल टू वी एवरेज है स्टूडेंट्स हमारे पास 13.33 और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 300 के साथ। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली ये जी स्टूडेंट्स 13,999 मीटर आ जाएगा ये हमारे पास चलिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस ये हमारे पास आ जाएगा S2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमें S3 भी अभी कैलकुलेट करना है क्योंकि 3 सेकंड्स के लिए भी हमें बताना है कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। अब ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम दोबारा अंडरस्टैंड करें तो ये मुझे जस्ट अरेंज कर लेने दें। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स फाइनली यहाँ पर उसने लिखा हुआ है इट मूव्स विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। तो देखें स्टूडेंट्स जब 5 सेकंड्स तक तो इसने मूव किया तो उसके बाद क्या हुआ इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो। मींस यहां पर स्टूडेंट्स अब जो इसकी पहले 5 सेकंड्स तक 5 मिनट्स तक जो इसकी वेलोसिटी थी वो अब नेक्स्ट 3 सेकंड्स के लिए वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो लास्ट 3 मिनट्स के अंदर जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है जो 5 मिनट में इसकी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये आ जाएगी हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी अब इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास बनती है ये हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन। अब देखिए फाइनली तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब क्या होगा रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी और गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अब ये आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पे टाइम जो है वो स्टूडेंट्स हमें दिया गया अब ये 3 मिनट्स है। ये स्टूडेंट्स इसको हम सेकेंड्स में अब ले जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 3 × 60 और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 180। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए अब जो है वो हमें एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास VF इज इक्वल टू VIT प्लस AD। यहाँ पर स्टूडेंट्स वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और यहाँ से एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स हमारे पास किसके बराबर आया था ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आ जाएगा VF माइनस आ जाएगा VI डिवाइडेड बाय T। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स VF जो है वो हमारे पास अब क्या है 0 है और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर स्टूडेंट्स 13.33 मीटर पर सेकंड है और टाइम यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 180। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो है माइनस 0 और ये हमारे पास बनता है 0.074 मीटर पर सेकंड। ये अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला इसके लिए आंसर आ। अब फाइनली स्टूडेंट्स इसको हम थर्ड इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास
2as, यहाँ पर इसको s3 का नाम दे लेते हैं, ये आ जाएगा vf का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ये vi का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमें s3 की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली सी स्टूडेंट्स यहाँ पर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये तो 2a इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल से, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है 13.33 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे आप स्टूडेंट्स हम एक्सेलरेशन भी जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है जी -0.074, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें, 13.33 का स्क्वायर लें और डिवाइड कर दें इसको स्टूडेंट्स 2 से, या 2 को यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा एस थ्री का 1201 मीटर आ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें टोटल डिस्टेंस इसका बताना है, यानी कि जितना इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बताना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू आ जाएगा S1 प्लस S2 आ जाएगा प्लस S3 आ जाएगा, और ये था स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने पहले कैलकुलेट किया था यहाँ पर वो स्टूडेंट्स तकरीबन वो था हमारे पास 800, ये आ जाएगा S1 हमारे पास 800 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे S2 जो है वो स्टूडेंट्स हमने किया था कैलकुलेट 3999 प्लस, और S3 स्टूडेंट्स अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास है 1201। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको जब हम सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000 मीटर में, ये स्टूडेंट्स हमारे पास का आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.7। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 2.8। ए क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 seconds लेटर, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, सेकेंडली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो एक क्रिकेट बॉल है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, यानी कि ऊपर की तरफ जो है इसको फेंका, और वो 6 seconds के बाद जो है वो ग्राउंड पर आके गिरती है बॉल। तो हमें बताना है कि उस बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी है और उसको कितनी वेलोसिटी के साथ जो है वो हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल केस जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.4 से मिलता है। अगेन यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट करें मैं कहता हूँ ये हमारा ग्राउंड है ये, और ये हमारा किसी भी हाइट पर जो है वो बाहर पड़ा। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी एक तो मैक्सिमम हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है, और सेकंडली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर इसका हमें जो गिवन डेटा में क्या क्या दिया गया, यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट्स हमें टाइम जो है वो इसका दिया है, तो यहाँ पे टाइम हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 6 seconds, ये आ जाएगा 6 seconds। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम अगर इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, और सेकंडली कितनी वेलोसिटी के साथ हमें जो है वो इस बॉल को फेंका, ये भी स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करनी है। मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंकेंगे तो स्टूडेंट्स ये किसी ना किसी हाइट पे जो है ये बॉल जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ से एक बात तो तय है, क्योंकि बॉल जो है जब अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो ये एक लम्हे के लिए वहां पे स्टे करेगा, तो जहां पर ये स्टे करेगा वहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं ये फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, 0 meter per second होगी, ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करनी है, और सेकंडली यहाँ पे जो है इसकी मैक्सिमम हाइट जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें बताएं, यहाँ पे दी गई है इनिशियल वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके, तो वो थी स्टूडेंट्स हमारे पास vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे a को हमने रिप्लेस कर दिया g के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा vf इज इक्वल टू vi जो है ये स्टूडेंट्स सॉरी ये यहाँ पे वैल्यूज जो है इसकी इंसर्ट करनी है हमें, यहाँ पे vf की वैल्यूज स्टूडेंट्स हम इंसर्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू आ जाएगा vi प्लस जी की वैल्यू, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम -10 meter per second लेंगे क्योंकि अगेंस्ट दी ग्रेविटी जो है ये बाल हमारा मूव कर रहा है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये टोटल टाइम दिया गया है कि ये बॉल ग्राउंड से जब हमने हिट किया इसको तो ये मैक्सिमम हाइट पे गया है,
और दोबारा ये ग्राउंड को आके हिट करेगा। तो ये इसके लिए टोटल टाइम दिया है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वही वाला केस है 2.4 वाला। अगर ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो यहाँ पर इसका जो है वो 3 सेकेंड्स ये लेगा मैक्सिमम हाइट तक। इसी तरह स्टूडेंट्स जब ये दोबारा ग्राउंड पे आएगा तो अगेन ये जो है 3 सेकेंड्स जो है वो ले। तो यहाँ पर इसका टाइम जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम 6 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे टाइम जो है वो स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 3। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा वी आई माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 30, और यह 30 इधर माइनस का इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब जो है इसकी स्टूडेंट्स हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। वो है स्टूडेंट्स हमारे पास एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज जो है वो हमें इंसर्ट करनी है। वी आई जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ गई, अब इसकी वैल्यू 30, और यहाँ पे टाइम जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 सेकेंड्स, और अगेन यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स जी की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा -10, और ये टाइम जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट्स साथ साथ, ये आ जाएगा 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 90, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -5 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 9, ये आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा 90 -5, 9s are 45, और 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 45। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.8 जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.9। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कॉन्स्टेंट। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक ट्रेन जो है वो 96 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो मूव कर रही है, और जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई की तो उसकी स्पीड जो है वो स्टूडेंट्स कम होके कितनी रह जाती है, 48 किलोमीटर पर आर, और वो तब उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो है 800 मीटर में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें बताना है कि वो ट्रेन जो है वो फर्दर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या है। इनिशियल स्पीड जो है वो स्टूडेंट्स हमें गिवन है, ये हमारे पास है 96 किलोमीटर पर आवर, ये स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, और इसको सिंपली तौर पर स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 3.6 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर, और ये स्टूडेंट्स अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 26.7 मीटर पर सेकंड में, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स फाइनल स्पीड जो है वो हमारे पास यहाँ पर वो है स्टूडेंट्स 48 किलोमीटर पर आवर, और इसको भी स्टूडेंट्स हम 3.6 के साथ डिवाइड करेंगे और ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी स्टूडेंट्स, और ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है इसका हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो है वो इसकी फर्दर डिस्टेंस इसने कवर किया है वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो इसके लिए स्टूडेंट्स फर्दर हम जो है वो सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज जो है वो अब हम इंसर्ट करेंगे
तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक्सिलरेशन जो है वो मौजूद नहीं। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हम जो है वो इसका एक्सिलरेशन कैलकुलेट करेंगे ये इस इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके, और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स इसकी हम फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स डिस्टेंस यहाँ पर हमें जो दिया गया ये भी स्टूडेंट साथ में लिख लें, ये हमारे पास है 800 मीटर्स में दिया गया है। तो इन सब की वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 800 इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी के स्टूडेंट्स हमारे पास 13.33, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पे वी आई जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास 26.7 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ए की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 800 से तो ये 1600 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो है वो हम इसका स्केयर भी ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, अभी ये आ जाएगा 26.7 इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स ये 1600 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इनका स्केयर लें, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आंसर आएगा इसका 177.177 यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको फोर फिगर तक लें स्टूडेंट्स तो ये आ जाता है 6889 माइनस आ जाएगा 26.7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 712. यहाँ पे है ये 89 और डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स इसको 1600 पर। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 177.6889 में से माइनस करते हैं 712.89 में, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी आंसर आएगा ये यहाँ पे हम लिख लेंगे अप्रोक्सीमेटली, ये हमारे पास है 535. ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2011 डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 1600। और स्टूडेंट्स इसको मजीद इसके ऊपर हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.33 और यहाँ पे आ जाएगा 45 मीटर पर सेकंड में ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एक्सिलरेशन आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एक्सिलरेशन आ गया। अब जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो है वो इसका डिस्टेंस कवर बताना है, तो ये भी स्टूडेंट्स इसके लिए भी हम जो है वो सिंपली तौर पर यही इक्वेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स अगेन, यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके अंदर इनकी वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करते हैं यही इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ये अगेन मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस आ जाएगा ये वी आई का स्क्वायर। तो यहाँ से s की वैल्यू स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस आ जाएगा वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2a, इनमें वैल्यूज स्टूडेंट्स इनकी इंसर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है वो हमें यहाँ पर देखें इनमें वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स जैसे ही इसमें ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और बॉडी जब रेस्ट में आएगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 0 हो जाएगी, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है वो कितनी है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अब हमारी कौन सी बन जाएगी, यही जो फाइनल वेलोसिटी थी अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है 13.33 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स हम
एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आ जाएगा माइनस 0.3345। और ये स्टूडेंट्स अब इसको मजीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये माइनस है माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 266.66 मीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.9। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात, तो स्टूडेंट्स अब लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं यहाँ पर 2.10। इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमें इसका अब टाइम बताना है जब वो ब्रेक जो है वो अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स अब इसकी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या दी गई थी, ये थी हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर में ये स्टूडेंट्स, और इसको जब हमने कन्वर्ट किया था तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आया था इसका 26.7 मीटर पर सेकंड में ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी आई थी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि अब यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर दी गई है तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी यानी कि ट्रेन हमारी जो है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स इसकी फाइनल वेलोसिटी अब क्या आ जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो ये 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और एक्सीलरेशन स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर चुके थे इसमें, वो हमारे पास आया था माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आ जाएगी हमारे पास 0 पॉइंट थी हमारे पास इसकी वैल्यू 3345 मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमें इसका टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स सिंपली तौर पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करते हैं हम, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसमें वैल्यूज इसकी इंसर्ट करते हैं और टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा वी एफ इज माइनस वी आई, वी आई को इधर लेके आए इक्वल से तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बराबर यहाँ पे आ जाएगा 80, और यहाँ से हमें टाइम कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस आ जाएगा वी आई डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो है वो स्टूडेंट्स इंसर्ट करते हैं, वी एफ कितना हमारे पास 0 है और वी आई की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर है 26.7, डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको, एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है यहाँ पे माइनस 0.3345, और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो इस 0 में से किसी नंबर को भी सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 26.7 डिवाइडेड बाय आ जाएगा माइनस 0.3345, तो ये स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स इसका अप्रोक्सीमेटली आएगा 80 सेकेंड्स। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के न्यूमेरिकल्स, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझने में आसानी होगी, और अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।